सैमसंग की इस टीवी के साथ 7000 रुपए का सैमसंग स्लिम फिट कैमरा फ्री आता है, जिससे कि आप इस टीवी के जरिए वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये है सैमसंग का CUE60 क्रिस्टल आई स्मार्ट लेटेस्ट 2023 के मॉडल का टीवी, जिसकी इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। तो सब बड़े सारे टीवी लॉन्च हो रहे हैं। सोनी का भी लेटेस्ट जल्दी ही रिलीज हुआ था, जिसकी मैंने कल वीडियो डाली थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सोनी X64L 43 इंच की अनबॉक्सिंग मैंने मेरे चैनल पर करी थी, कल की थी। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आप थंबनेल आपकी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज बात करते हैं तो दोस्तों, सैमसंग का क्रिस्टल आई स्मार्ट आया मेरे पास। थोड़ा सा हैवी टीवी है, डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर है मेरे नज़रिए से सोनी से, बिकॉज बेजल लेस डिज़ाइन यहाँ पर थ्री साइड मिल जाता है आपको। रिमोट IR वाला है, ड्रॉबैक है यही मुझे कौन लगा इस टीवी में। लेकिन या पूरी वीडियो देखोगे तभी तो आपको बाकी की चीज़ें मालूम पड़ेगी। इतनी लंबी वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत लगती है। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आपको ये टीवी खरीदनी है या फिर सोनी का X64L खरीदना है या फिर बहुत बढ़िया बढ़िया चुनिंदा डील्स में, यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, उस डिस्क्रिप्शन में मैंने बढ़िया बढ़िया लिंक्स डाल दी हैं। यू कैन बाय दीज टीवीज फ्रॉम देयर ओनली। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सैमसंग का लेटेस्ट क्रिस्टल आई स्मार्ट CUE60 का टीवी हमारे पास है। ओके, सबसे पहले तो मैंने तो अब तक इसकी यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखी है, तो आई थिंक शायद फर्स्ट ऑफ काइंड, वन ऑफ अ काइंड वीडियो है। ओके, कुछ चीज़ें लिखी हुई है। ओपन बॉक्स डिलीवरी आपको लेनी होती है फ्लिपकार्ट से अगर आप खरीद रहे हैं तो, बिकॉज दिस इज मस्ट। अगर टीवी टूटा निकला तो आपकी जिम्मेदारी होगी, बिना अनबॉक्स ओपन बॉक्स के लेते हो अगर आप डिलीवरी तो। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हो। काफ़ी टीवी बड़ा है तो ऊपर से तो दिखेगा नहीं, इसलिए साइड से करके दिखा रहे हैं। बॉक्स में वैसे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्रिस्टल USD बस इतना ही लिखा हुआ है। सामान को बाहर निकलते हैं, मैंने पढ़ लिया है कल की तरह सोनी की तरह, जिसमें स्टैंड नहीं निकले थे ना, इसमें स्टैंड आपको मिलेंगे और वो भी मेटल के स्टैंड मिलेंगे, बढ़िया स्टैंड मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको एक पॉली बैग मिलेगा जिसमें सारा सामान है, डॉन स्टैंड और फिर लास्ट में TV। ओके, तो भैया बड़ा भारी टीवी है यार। कल जो सोनी का टीवी था ना वो तो बड़ा हल्का सा था, बट ये बड़ा भारी टीवी है। और जो बेस्ट चीज़ है ना सैमसंग की टीवी से, डिज़ाइन भैया, डिज़ाइन हैवी करते हैं और ऐसा मस्त बनाते हैं। और ये बेजल लेस टीवी भी बनाया है इन्होंने। ओ माय गॉड, एकदम स्लिम सा टीवी है, एकदम मस्त सा डिज़ाइन है, जिसके पीछे टेक्स्चर भी है। Here we are talking about ports. तो सबसे पहले आपको ये अपना DC-in वाला पोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप इस डिटैचेबल पावर कोड को कनेक्ट करेंगे। उसके नीचे आपको एक मिलता है USB, सिंगल USB का ही सेटअप, जिसमें आप अपना ईजिली USB कनेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे मिलता है आपको एक HDMI पोर्ट, दूसरा HDMI पोर्ट और तीसरा HDMI पोर्ट। ये पोर्ट आपका ARC सपोर्टेड है, जो कि HDMI 3 है, 1, 2, 3। उसके नीचे आपको मिल जाता है एक एंटीना पोर्ट, जो कि आपके काम आएगा। और इधर की साइड बात करोगे तो आपको एक मिल जाता है LAN पोर्ट, और एक यहाँ पे SPDIF का डिजिटल ऑडियो आउट भी रह गया, ये पोर्ट भी आपको मिल जाता है। तो ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है, आप ब्लूटूथ स्पीकर्स भी कनेक्ट कर सकते हो, और इस कनेक्शन के जरिए क्यू सिम्फनी वाले साउंड बार तो HDMI आग के थ्रू भी लग जाएंगे। तो ऑडियो आउटपुट के भी काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। और बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि थोड़ा ये एक्सट्रीम राइट में, तो आप इजीली सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो इधर से हाथ ला के, अगर टीवी वॉल माउंटेड भी है तो। ये तो रहा टीवी की बात, अब बात करेंगे स्टैंड की। तो जो स्टैंड है ना, ऑब्वियसली ये जहाँ तक मुझे मालूम है बिना स्क्रू के लगते हैं। जो अपने सोनी के सैमसंग के सारे स्टैंड होते हैं ना, वो बिना स्क्रूज के टाइट हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ आपको उसमें ज़्यादा खास करना नहीं पड़ता। अगर सही साइज़ में लगा रहा हूँ तुम्हें, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में लगाना होता है, नो स्क्रूज। एक इसमें प्लास्टिक का कुछ कनेक्शन टाइप का होता है एंड उसी रसीद हो जाता है काम। तो ये हो गया कनेक्ट स्टैंड। आई थिंक राइट वाला थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ है अभी, हैव टू चेक इट आउट। बट टीवी बिल्कुल भी बॉबल नहीं कर रही है, 43 इंच का मॉडल है ये, 43 इंच 4K का। अभी इसका सेटअप करेंगे, पहले इसको स्टार्ट करेंगे और बाकी के सारे फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, अपील्स करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इसको
स्टार्ट कर लेते हैं, तरवा लगा लेते हैं और बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको एक पॉली बैग मिलता है, इस पॉली बैग में कुछ कुछ सामान देखने को मिलता है, जैसे कि एक क्विक सेटअप गाइड कि कैसे आपको स्टैंड कनेक्ट करना है वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको नहीं, मुझे एक पावर केबल मिलती है, आपने थोड़ी खरीदा, मैंने खरीदा, एक पावर कोड मिलती है जिससे आप इसको पावर देंगे, एक वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और कुछ बैटरीज और कुछ एंगुलर एंटीना के लिए अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो। एक मिलता है रिमोट, रिमोट बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है क्योंकि ये रिमोट बहुत ही सही और स्लीक है। आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको चार चार हॉटकीज़ मिलती हैं, जिसमें से सैमसंग टीवी प्लस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार कीज़ नीचे दी गई हैं। जो वॉल्यूम रॉकर और जो चैनल रॉकर है ना, वो स्लाइड करके काम करता है, ऊपर से नीचे, मतलब नीचे करोगे तो वॉल्यूम कम होगी, ऊपर करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी, और बीच में दबाओगे तो म्यूट होगा। इसमें तीन बटन है बेसिकली, और इस रिमोट से आप अपने सेट टॉप बॉक्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे, ये यूनिवर्सल रिमोट की तरह काम करता है। नंबर बटन मिल जाते हैं और जो कलर कीज़ होती हैं जो आपके सेटअप को कंट्रोल करने में काम आती हैं वो मिल जाती हैं। बैक, होम, प्ले पॉज और तो कुछ नहीं है, बस पावर का बटन है सबसे ऊपर। जो चीज़ मिसिंग है वो है इसमें माइक का बटन, जो कि बाकी सैमसंग के रिमोट्स में आता है। ये मेरे पास एक और सैमसंग का रिमोट है, बिल्कुल डिटो रिमोट है, बस नीचे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की कीज़ का अंतर है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक म्यूट, मतलब माइक का बटन एक एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि आपको वॉइस सर्च को यूज़ करने में काम आता है। तो आई थिंक इस टीवी में वॉइस सर्च नहीं है, वो टीवी को ऑन करके बात करना पड़ेगा। मैं अपना ये दूसरा वाला जिसमें वॉइस सर्च है उस रिमोट को भी कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि क्या ये काम करता है, क्योंकि इसमें तो नहीं है तो थोड़ा सा ये इन्फीरियर चीज़ है। जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये IR वाला रिमोट आप देख रहे होंगे, कहाँ आपके पास ऐसे ऐसे रिमोट्स हैं जिसमें आप टाइप सी लगा सकते हो, सोलर से चार्ज कर सकते हो। उस रिमोट को छोड़ के आप 32,990 रुपये लेने के बाद भी एक ऐसा रिमोट हाथ में थमा रहे हो जिसमें कोई भी वॉइस का नहीं है और IR कंट्रोल। रियली सैमसंग, इट्स हाई टाइम कि आप अपने सारे रिमोट्स को सोलर पर स्विच कर दें और ब्लूटूथ पर तो एटलीस्ट स्विच कर दें। IR रिमोट सीरियसली इन 2023 33,000 रुपये की टीवी में इट्स नॉट वर्थ इट। बट ओवरऑल लुक एंड फिनिश अच्छा है, नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। बट मैं इस रिमोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट कटिंग साफ साफ दिख रही है। ये सब चीज़ें मिलती हैं, फटाफट से इसको सेटअप करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो आई होप आपको अनबॉक्सिंग का पार्ट पसंद आया होगा। लेट्स टॉक अबाउट वारंटी। एक साल की इसमें आपको वारंटी मिलती है, बट यू कैन, वैसे सैमसंग की सर्विस बहुत अच्छी है, डोर टू डोर सब है। अगर आपका नेटवर्क पहुंच रहा है ना तो सैमसंग भी वहां पे पहुंच जाएगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड दैट सर्विस, 5 साल की वारंटी करना चाहते हो तो यू कैन चेक आउट गो वारंटी। गो वारंटी एक वारंटी एक्सटेंशन सर्विस है जो कि 4 साल तक एक्सटेंड करता है। 1 साल की आपको ओरिजिनली मिलती है, तो 1+4=5, 5 साल तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप बस गो वारंटी को कॉल करो, गो वारंटी आपके टेक्नीशियन घर पर भेजेगा और आपकी टीवी को ठीक करवा के देगा। ऑफिशियल सर्विस सेंटर से जेन्युइन पार्ट्स यूज होंगे, जेन्युइन सर्विस होगी, आपको किसी भी किस्म की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, ऑन साइट रहेगा सारा मामला। आप इसके अलावा एयर कंडीशनर और होम अप्लायंसेज, पंखे, टीवी, फ़ोन, सब चीज़ की वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं गैजेट्स के लिए। यू कैन चेक आउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई होप यू लाइक इट, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। प्लीज़ 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी से कंपेयर मत करना, ये आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देने वाली वारंटी है। लेट्स डायरेक्टली जंप इन टू द इनिशियल सेटअप, ए ऑडियो वीडियो क्वालिटी और यूजर इंटरफेस के बारे में आपको बताता हूँ। दे आर सो मेनी थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे रिमोट पोर्ट सबकी बात हो चुकी है, लेट्स मेन चीज पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, मैंने टीवी को स्टैंड माउंट कर लिया है, लेट्स डू द पील्स ऑफ दिस टीवी। भाई मानना पड़ेगा सैमसंग की पील्स सबसे अच्छी होती हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टीवी। ओके, सिंपल सा स्टेप होता है, आपको सीसीटीवी लगाना है और रिमोट से बटन दबाना है। IR रिमोट है, मैं आपको पहले बता दूं, स्मार्ट टीवी बाय टाइजन OS लिखा गया था। हाय, डिस्कवर ग्रेट न्यू, कुछ लिखा था मैं पढ़ नहीं पाया। 2 सिंपल ऑप्शंस, स्मार्टफोन से क्विक एंड ईजी सेटअप कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आपके पास रिमोट कंट्रोल से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो आजकल सभी लोग स्मार्टफोन से करते हैं, तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करता हूँ। सिंपल, ये भी कुछ नहीं करवाएगा ये टाइजन OS, तो ये जीमेल की जगह आपको बस सैमसंग अकाउंट में या सैमसंग स्मार्ट थिंग्स के अकाउंट में साइनअप करवाएगा, अगर आपने साइनअप नहीं कर रखा है तो। वैसे अगर अकाउंट है तो सीधे साइन इन कर सकते हो स्मार्टफोन के जरिए, और सिंपल सा ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो लेट मी जस्ट डू दैट एंड
एंड नेटफ्लिक्स वगैरह में भी लॉगिन कर लेते हैं, सभी ऐप्स में लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मैं मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी टीवी को सेटअप कर लिया है और सभी ऐप्स में लॉगिन भी कर लिया है। सैमसंग का टाइजन ओएस की मुझे बात ही अच्छी लगती है कि ये सेट टॉप बॉक्स के साथ बहुत अच्छा घुलमुल के एक्सपीरियंस देता है। मान लीजिए आपने अपना सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर रखा है तो चैनल की लिस्ट यहीं पे आ जाएगी। रिसेंट में ऑन ऑन में कौन सा चैनल लगाना है सब यहीं से लगा सकते हो। फिलहाल ये जो चैनल शो हो रहे हैं ये सैमसंग टीवी प्लस के चैनल शो हो रहे हैं। इनमें कुछ अच्छे चैनल्स हैं जैसे कि द मूवी क्लब एक चैनल है जो कि आपको अभी इसमें मैंने प्यार क्यों किया चल रही है, उसका प्रीव्यू यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं एक दो सेकंड के लिए होल्ड करूँगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। ओके, आई डोंट वांट अ कॉपी एट चेक। सैमसंग टीवी प्लस रीसेंट ऐप्स भी इधर आ जाएंगे। तो वैसे तो लगभग इसमें सभी ऐप्स पॉपुलर मिल जाते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल टीवी, यूट्यूब, जियो सिनेमा और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे कि वूट, सोनी देव, Z5, सारे के सारे ऐप्स आपको उसमें मिल जाएंगे। रोज नाउ मोस्ट पॉपुलर ऐप्स यू कैन ईजली गेट देम फ्रॉम सैमसंग का टाइजन स्टोर जो है आराम से मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ यूज़ इंटरफेस के बारे में, जैसे कि वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सही है। वॉइस सर्च इसमें आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ब्लूटूथ इसमें है, आप ब्लूटूथ स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हो, पर लेकिन जब मैंने इसमें अपना जो सैमसंग का दूसरा रिमोट है जो मेरे पास फ्रेम का, वो जब इसमें कनेक्ट करने की कोशिश की क्योंकि उस रिमोट में वॉइस फंक्शन था तो ये कनेक्ट नहीं हुआ। आई ट्राइड सो हार्ड बट वो हुआ नहीं। इसमें यही रिमोट चलेगा जो कि IR कंट्रोल है। और एक और चीज़, IR कंट्रोल होने के बावजूद भी ना इट जस्ट वर्क सो वेल, आपको ज़्यादा पॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हल्का सा अगर मतलब इधर उधर भी है, मतलब अगर रिमोट ऐसे पॉइंट प्रॉपर नहीं करने की जरूरत, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी है ना तब भी काम कर जाता है, ऊपर भी काम कर जाता है, इधर भी काम कर जाता है, इधर भी काम कर जाता है, तो इट्स गुड। और IR सिग्नल काफ़ी अच्छा भेज रहा है ये टीवी को। नेटफ्लिक्स, सैमसंग टीवी प्लस, प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की कीज़ भी ईजिली वर्क करती हैं और काफ़ी फास्ट वर्क करती हैं। जैसे हम नेटफ्लिक्स का बटन दबाते हैं नेटफ्लिक्स ओपन होकर दे देता है विद इन आई थिंक 1 सेकंड 2 सेकंड्स, और प्रोफाइल पर क्लिक करके जो 4-5 सेकंड है, काफ़ी फास्ट है, बात तो माननी पड़ेगी। प्राइम वीडियो का बटन दबाते हैं प्राइम वीडियो तुरंत खुल जाता है, हॉटस्टार का बटन दबाते हैं हॉटस्टार तुरंत खुल जाता है, वापस से नेटफ्लिक्स दबाते हैं नेटफ्लिक्स पर तुरंत वापस आ गया, होम दबा देते हैं, तो काफ़ी फास्ट है। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी, सैमसंग टाइजन OS इज फास्टर देन एंड्रॉयड इन माई बिलीव्स, एंड माई बिलीव्स क्या सच में है तो है। सेट बॉक्स के साथ भी इसका इंटीग्रेशन बहुत सही रहेगा, आप अपने इसी रिमोट से सारे चैनल्स को चेंज कर सकते हो। और वॉइस फंक्शन नहीं है ये बात मिसिंग है, लेकिन आपको नंबर बटन का एक कीपैड सा मिल जाता है, इस नंबर बटन को आप दबाएंगे तो आप सीधे सीधे नंबर बटन नंबर चैनल नंबर डाल दीजिए, वो चैनल स्विच हो जाएगा। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि टैप टू व्यू, और जब आप सैमसंग के फ़ोन को टैप करोगे तो वो उसमें स्क्रीन मिरर हो जाएगी। स्क्रीन मिररिंग इसमें बहुत इजीली हो जाती है, आपको बिल्कुल भी लाइक बिलीव मी आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, आपको बस अपने फ़ोन में जाना है, स्मार्ट व्यू ऑन करना है या फिर कास्टिंग ऑन करना है और आई थिंक इसमें हमारे लगेगी। इसका एक और फीचर है जो मेन इस टीवी का हाईलाइट बना हुआ है बेचने के मामले में, वो ये है वो चाह रहे हैं कि इस कैमरा से इसे बेचें। इसके साथ एक कैमरा फ्री मिल रहा है 7,000 रुपये का, उसका 15 दिन बाद कूपन आएगा अगर आप उसे लेना चाहें। जब वो कैमरा आएगा तो मैं कैमरा के साथ बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके जब इसको आप लॉगिन कर लोगे और सैमसंग स्मार्ट थिंग्स का ऐप डाउनलोड करोगे तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर एक कैमरा शेयरिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उसे ऑन करोगे तो आपकी टीवी में गूगल मीट स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, और आप एक सेकेंड लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, तो आप देख पाएंगे कि मैं बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा हूँ और शूट कर रहा हूँ। आई थिंक मेरी आवाज़ बिल्कुल बराबर आ रही होगी इस कैमरा के माइक से। तो ऐसे ही आप अपने गूगल मीट को कॉल कर सकते हो। वैसे जब प्रॉपर कैमरा आ जाएगा यहाँ पर, जब सामने लग जाएगा तो और बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और अपने फ़ोन का कैमरा ही आप डायरेक्टली कास्ट कर पा रहे हो और बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी में कर पा रहे हो। दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज सैमसंग के ही साथ टाइप है, ऐसा हो सकता है बाकी एंड्रॉयड फ़ोन भी जाएगा से अगर आपने सैमसंग स्मार्टथिंग्स का ऐप डाउनलोड कर रखा है। तो इसको एग्जिट कर देते हैं और होम स्क्रीन पर वापस आ जाते हैं, तो गूगल मीट इसमें आप यूज़ कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वो जो कैमरा आ जाएगा उसके साथ तो और भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इसेंशियली इस टीवी का प्राइस अगर 6,000 का कैमरा कटा दो तो 26-27,000 रुपये है, विच इज़ अ डिसेंट प्राइस फॉर इट। बट अगर किसी को कैमरा नहीं चाहिए तो क्या ये 27,000 में देंगे? नहीं ना,
तो यू हैव टू पे 32,000 rupees, आपको बंडल ही लेना पड़ेगा इस टीवी के साथ, उस कैमरा के साथ में। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इंटरफेस का और फीचर्स का बहुत मस्त है। ऐप में जब स्मार्ट थिंग्स में इसमें जाते हो तो आपको एक लाइट सेंसर का भी बोल रहा है, उसको मैंने ऑन कर रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट टीवी की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी यूजिंग दैट लाइट सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर। तो वो भी चीज़ अच्छा है और काम भी बढ़िया कर रहा है। इस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, यूजर इंटरफेस में ब्राइटनेस बराबर है, नेविगेट में मैं इजी कर पा रहा हूँ। अब ये स्टैंडर्ड मोड पर सेट है, आप जाके और सेटिंग्स को भी छेड़छाड़ कर सकते हो, वैसे ज़्यादा सजेस्टेबल नहीं रहता है। टीवी स्पीकर ए वी इनपुट सेट कर सकते हो, स्लीप टाइमर स्टैंडर्ड, इसके बाद इको मूवी बिल मेकर और डायनेमिक मोड इसमें आप सेट कर सकते हो। पिक्चर सेटअप में और भी ज़्यादा सेटिंग कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट शार्पनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ब्लूटूथ सेटिंग है, एम्पलीफाई कर रखा है मैंने ऑडियो को फिलहाल, और मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, आप उसे भी चेंज कर सकते हो। 5 GHz का वाईफाई ये टीवी सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ भी सपोर्ट करता है। ये सारी बात होगी फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और यूजर इंटरफेस के बारे में, जो कि काफ़ी सही है। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट पिक्चर क्वालिटी। पहले हम इसमें यूएसबी से कुछ लगाएंगे और वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी का डेमो दूंगा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो इन सब चीज़ों में यूट्यूब पर चला के कुछ आपको दिखाऊंगा कि क्वालिटी कैसी आ रही है। और जो इनका प्रोसेसर है सैमसंग का खुद का, जो क्रिस्टल प्रोसेसर बोलते हैं, वो कुछ अपस्केलिंग करके दे भी रहा है कि नहीं, क्योंकि क्लैरिटी में उसका पिक्चर सेटिंग्स में ऑप्शन तो आ रहा था, आई थिंक थोड़ा बहुत अपस्केलिंग तो करना ही चाहिए। लेट्स प्ले सम कंटेंट वाया यूएसबी। यूएसबी लगाते लगाते एक और चीज़ याद आ गई कि साइड में पोर्ट मिलते हैं बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट में, वेल एक्सट्रीम राइट में, तो काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल हो जाता है। आप HDMI लगा रहे हो या फिर USB लगा रहे हो या फिर कुछ और भी लगा रहे हो। लेट्स प्ले सम वीडियो जो कि 4K में है, एंड देन वील प्ले सम फुटेज इन 1080p ऑल्सो। लोनली एस्ट्रोनॉट वाला 4K का टेस्ट लगाया है और पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। देखो मैं ऑब्वियसली मानता हूँ कि ये पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा शूट किया गया है, बट कल मैंने सोनी का भी रिव्यू किया था एंड आई एम गेटिंग द लगभग सेम सा एक्सपीरियंस इन दिस। लोग माने या ना माने, बट थोड़ा तो सोनी बेटर है, बट इसमें कलर्स बिल्कुल नेचुरल दिखाने की कोशिश करेगी ये फिलहाल। थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कलर प्रेफर करता हूँ अगर मुझसे पूछोगे तो। लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं इसको विविड मोड पर सेट कर लेता हूँ, बिकॉज विविड मोड तो नहीं है, डायनेमिक मोड है इनके पास। ओके, फिल्म मेकर एंड डायनेमिक, यस आई लाइक दिस बेटर। थोड़ा सा ब्राइटनेस भी इंक्रीज हुआ फॉर माय लाइकिंग। आप ऑब्वियसली अपने पर्सनलाइज तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो, बट आई लाइक दिस वन, थोड़े से मुझे बेटर कलर्स दिख रहे हैं। ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस बढ़िया हैं, कलर भी अच्छे आ रहे हैं, स्किन टोन्स आप इसमें देखेंगे तो बहुत मस्त है। ऑब्वियसली ये 4K सीन है, हाई बिटरेट कंटेंट है, तो इसमें अच्छा ही दिखता है मोस्टली टीवीज़ में, बट बिलीव मी कुछ टीवी में बहुत गड़बड़ हो जाती है। ग्रीन्स ऑब्वियसली सोनी जैसे तो नहीं दिख रहे कल जैसे हमने टीवी में देखा था, बट हाँ इट्स लुकिंग अमेजिंग, परफेक्टली लेट कहूँगा मैं इसको। आई थिंक सोनी भी बहुत अच्छा दिख रहा था, उसमें एक्सट्रीम ब्राइटनेस दिख रही थी वो, जो कि अच्छी लग रही थी। मर्सिडीज एमजी सामने खड़ी है और जिसको लेने का मन है चले जाओ मर्सिडीज के शोरूम में, 2 करोड़ की गाड़ी है आई थिंक ज़्यादा की होगी। ओके, इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड I suggest if you want a TV with no like कुछ हमें picture quality में छेड़छाड़ नहीं करनी है, I just want the best picture quality out of the box, just go for the Samsung i Smart Crystal Series TV और Sony वाला TV, because बाकी टीवी में सच में out of the box तो नहीं निकलती, थोड़ा बहुत सेटिंग में इधर उधर करना पड़ता है। आई लव द पिक्चर क्वालिटी, आई लव द डिटेल्स इन द टीवी। नेक्स्ट सीन में आपको जो बिल्डिंग वाला दिखेगा उसमें थोड़ा सा जूम भी करूँगा अपने दूसरे कैमरा से, ताकि आप थोड़ा सा खिड़कियों को देख पाओ बिल्डिंग में कि साफ साफ दिख रही हैं कि नहीं। तो मतलब ब्लैक लेवल्स नॉट सोनी लाइक, डेफिनेटली नॉट सोनी लाइक, बट हाँ काफ़ी अच्छे हैं। आई ईजिली गिव इट ए 9 out of 10। सोनी का तो बहुत परफेक्ट ब्लैक लेवल्स थे यार, नियर अबाउट ओलेड वाले थे फॉर 43,000 rupees। इसमें मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको कि कैसी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है डिटेल्स के मामले में। लेट्स प्ले समथिंग इन 1080p जो कि ऑटोमेटिकली चल गया है। अब स्केलिंग यहाँ पर हम थोड़ी सी चेक करने की कोशिश करेंगे, अभी ब्लैक लेवल्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, पुराने सीन में भी दिख रहे थे ऐसा नहीं है, लेकिन सोनी वाले थोड़े से ज़्यादा बेटर थे, बट वो 10,000 rupees ज़्यादा भी ले रहे हैं, तो यू हैव टू डिसाइड। ऐसा नहीं है कि इसमें बेकार दिख रहा है, इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है। आई विल इजीली गिव इट 9.5
9 out of 10 इन पिक्चर क्वालिटी, बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिलती है। ये सीन थोड़ा सा और ब्राइट होता तो प्रेफर करता मैं सीरियसली। वैसे तो बहुत अच्छी डिटेल्स और ब्राइटनेस को शो किया है, लेकिन थोड़ा बहुत और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आई थिंक वो लाइट सेंसर का भी फ़र्क आ जाता है कि वो अकॉर्डिंग टू रूम एडजस्ट करता है। अगर मैं उसको ऑफ कर देता तो शायद बेटर एक्सपीरियंस मिलता, मैं ब्राइटनेस को पर्सनल तरीके से एक्सपेक्ट करता। अगर मुझसे कहेगा कि ये सीन कोई 4K में है तो मैं मान लूँगा यार, ऐसी बात नहीं, डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं एंड यू सी सम डिटेल्स इन ग्रास एंड एवरीथिंग। आपको ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि दिस इज़ जस्ट 1080p, दिस इज़ रियली थोड़ा बहुत अप स्केल तो हो ही रहा है। बाकी हमारे स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल देखोगे तब अप स्केल होता है, तब है ना मालूम, तो USB का कंटेंट तो अप स्केल होकर आ ही जाएगा। लेट्स प्ले समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, हम प्लान भी ही प्ले करेंगे बिकॉज उससे थोड़ा सा आइडिया लगता है। ऑब्वियसली इसमें आपको ऐसा कोई डॉल्बी विजन ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, बट हाँ 4K HDR लिखा हुआ है और 4K HDR में ही ये कंटेंट चलेगा। लेट्स रिज्यूम प्लेइंग आई थिंक, और इट्स लुकिंग सरप्राइजिंगली गुड। यार नहीं यार, आजकल के टीवी अच्छे अच्छे हो जा रहे हैं, सैमसंग ने लास्ट ईयर से तो बहुत बेटर किया है। BU60 जो मॉडल था ना, AU60 जो मॉडल था, उनसे तो बहुत बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड डिटेल्स। ओ माय गॉड, बहुत मस्त है। HDR कंटेंट वॉचिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि ब्राइट मूवी है। डार्क मूवीज़ में शायद थोड़ा बहुत इशू हो, शायद हो तक इसी में कोई डार्क सीन होते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अ डार्क सीन इन द बार। इट्स लुकिंग गुड, डिटेल्स हैं। डार्क सीन्स में भी डिटेल्स आप देख पा रहे हो, उसके बाल में हल्का सा डिटेल्स दिख रहा है। कोई और डार्क सीन्स चलाते हैं, लेट मी जस्ट ओके, आई थिंक ये रात वाला सीन ही चला लेते हैं, इसमें डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। देख रही हैं, आई विल टोटली वॉच इट, बट हाँ आई हैव हैड बेटर, मैंने थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस भी किया हुआ है HDR में अगर मुझसे पूछोगे तो। HDR में 9.5 जो कि बहुत अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से। ओवरऑल 32,000 रुपीज़ में बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी है विद द कैमरा, तो यू कैन गो फॉर इट इन फ्रॉम माय वर्ड्स, जस्ट गो फॉर इट। लेटेस्ट सैमसंग का टीवी CU60 विद कैमरा ऑब्वियसली, बट वही वॉइस वाला फंक्शन है, अगर उसका यूज़ नहीं है तभी लेना, क्योंकि वॉइस वाला फीचर कभी कभी बहुत लोगों को काम आता है। ऐसा नहीं है इस टीवी को आप एलेक्सा से या अपने गूगल से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, वो सब आप कर सकते हो। आप इस टीवी को इन्होंने मतलब जो स्मार्ट थिंग्स का ऐप है उससे रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए ये फ़ोन है मेरा, इसमें आप रिमोट कंट्रोल में जाओगे और इजीली टीवी को एक्सेस कर पा रहे हो आप, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन एक जो वॉइस का फंक्शन होता है वो मिसिंग है। अगर उसका नीड नहीं है, अपने पेरेंट्स वगैरह को दिला रहे हो या फिर आपको पर्सनली उसकी यूज़ नहीं होता है, तब इस टीवी की तरफ जाना। तो वीडियो तो बहुत शानदार है, लेट्स टॉक ऑडियो एंड लेट्स टेस्ट ऑडियो एक्चुअली। अपनी तरफ से बोल दूँ क्या, जो सच है वही तो बोलेंगे। ऑडियो अच्छा है, क्लैरिटी बहुत मस्त है, पूरा 100 करने के बाद भी थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ये इतना लाउड नहीं जाता है। 50-60 पे भी मेरे को लगा कि भैया सिर्फ रूम फुल हो रहा था, 60 पे रूम फिलिंग साउंड था, 100 पे थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा था। ऐसा नहीं था कि लाइक सीरियसली 40% साउंड को बढ़ाया गया 60-100 में, नहीं, 60-100 में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 10 या 20% ही साउंड बढ़ा है। लाउडनेस की बारे में बात कर रहा हूँ, बेस अच्छा है, क्लैरिटी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। टीवी के स्पीकर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि लाउड, बहुत लाउड जाए, 20 वाट के स्पीकर हैं शायद इसमें, बट 100 पे ऐसा नहीं था कि पड़ोसी आ जाएंगे मेरे। आज भी रात के 12 बज रहे हैं लेकिन 100 पे मैंने 10-15 सेकंड चला कर रखा, ऐसा नहीं था कि मेरे पड़ोसी कंप्लेंट करते, नहीं होगा ऐसा कुछ भी। बट हाँ, ये तरीका अच्छा है कि टीवी की लाउडनेस ही कम कर दो, आपकी डिस्टॉर्ट करेगी नहीं टीवी। लोगों को ये तो प्रॉब्लम होती है कि भैया 100 पर टीवी इतनी ज़्यादा लाउड हो जाती है कि पीक करने लगती है आवाज़, डिस्टॉर्शन स्टार्ट होना चालू हो जाता है, वो इसमें ऐसा आपको फील नहीं होने दिया उन्होंने, क्योंकि लाउडनेस ही कम कर दी ना,
लाउडनेस ही कम कर दी। तो अगर आप एक बहुत ही बड़ा लाउडनेस वाला सोच रहे हो तो इसमें क्यू सिम्फनी का सपोर्ट है। यू कैन गेट अ साउंड बार दैट सपोर्ट क्यू सिम्फनी एंड जस्ट कनेक्टेड विद दिस टीवी एंड यू विल हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट सैमसंग कैन प्रोवाइड फॉर देयर टीवीज विद देयर साउंड बार। लेकिन यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा रुपीज फॉर देयर साउंड बार, तो वो भी एक बात आपको देखनी पड़ेगी। लेट्स प्ले वीडियो ऑफ माइन। ऑब्वियसली थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे कि यूट्यूब पे पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है और साउंड कैसा आ रहा है। मैं थोड़ा सा साउंड भी चलाने की कोशिश करूँ। सोनी की वीडियो चलाएंगे बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। ये टीवी मैंने खुद खरीदा है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं कुछ भी चलाऊँ इस टीवी पे। रेडमी 5T आई फिल्म S53 का कंपेरिजन चला देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो पिक्चर क्वालिटी कम लग रही है दोस्तों, थोड़ा सा हम पिक्चर क्वालिटी को सेट करते हैं क्योंकि अभी पिक्चर क्वालिटी सही नहीं लग रही मुझे, क्योंकि आई थिंक 720 ही है ये। यस इट इज़ 720, इसीलिए साफ नहीं दिख रहा था, डिटेल से इतनी दिख रही थी। 720 पे तो अब स्केल करके नहीं दे सकता ना ये 4K में, बट हाँ पिक्चर क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है। कलर्स आर गुड, नेचुरल लुकिंग है। विविड पे भी ऐसा कुछ खास कलर पॉप नहीं करा रहे, दैट इज़ माई आई थिंक कंप्लेंट तो नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादा कस्टमर को हम जैसे तो इट इज़ लुकिंग गुड यार, आई एम लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग हैंडसम, बहुत सही लग रहा हूँ मैं और बहुत सही लग रही है ये टीवी। आई थिंक यू कैन गेट इट एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट फॉर श्योर। सैमसंग का टीवी सच में अच्छे ही होते हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने और टीवियों को बुरा बोला, नहीं है। MI Explore की मैंने कंपेरिजन करूंगा इसके साथ में, MI Explore की अनबॉक्सिंग करी, उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी लगती, बट पता नहीं क्यों सैमसंग सोनी में मुझे एक सूथिंग सी पिक्चर क्वालिटी लगती है। उनका जो प्रोसेसर है सोनी का X1 और फॉर गॉड सेक सैमसंग का क्रिस्टल 4K, दैट अपस्केल्स यार, क्लैरिटी को बढ़ाता है एंड आई एम लुकिंग डैम ऑसम इन दिस वीडियो। अमेजिंग लग रहा हूँ मैं। आई विल टोटली वॉच पिक्चर क्वालिटी, सच में 9.8 तो 100% है, बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है। आई थिंक आई 0.1 बढ़ा दूंगा, 9.9 करूँगा, HDR में 9.5, बट बहुत बढ़िया टीवी है, बहुत बढ़िया साउंड भी है, डायलॉग क्लैरिटी भी अच्छी आ रही थी, बट वो ये कि लाउड नहीं जाता है ये टीवी, और मेरे हिसाब से लाउड ले जाता भी नहीं है कोई टीवी। ऐसा नहीं है कि भैया टीवी वॉचिंग के लिए भी लाउड नहीं है, नहीं, वो 50 में ही काम हो जाएगा, 100 तक भी नहीं जाना पड़ेगा, 50-60 में ही हो जाएगा, लेकिन याद रहे 50-60 में होगा। नॉर्मल टीवीज़ में आप बस 20-30 पर करोगे ना तो टीवी की आवाज़ काफ़ी हो जाती है, इसमें आपको 50-40 तक जाना पड़ेगा कम से कम। तो बहुत बढ़िया टीवी है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। आई थिंक मेरी तरफ से एक ह्यूज थम्स अप है फॉर दिस टीवी। जस्ट गो गेट इट अगर आप वॉइस सर्च वाला फंक्शन अपनी टीवी में नहीं चाहते हैं तो। तो लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ, और इसका कैमरा जब आएगा तो हम इसका एक अलग से वीडियो डालेंगे, तो उस वीडियो को मिस मत करना। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। तो आई होप आपको सब कुछ पसंद आया होगा, मुझे तो टीवी बहुत पसंद आया है। अगर 32,000 रुपये देखिए, मुझे कहा जाएगा कि अगर आप इस टीवी को ले लो, अगर मैं वॉइस फंक्शन यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं ले लूँगा, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी बहुत मस्त है, डिज़ाइन बहुत सॉलिड है, एकदम मस्त स्टैंड आपको साथ मिल रहे हैं, वॉलमाउंट फ्री मिलता है, वॉलमाउंट फ्री में लगा के जाएंगे, कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ता। बट हाँ, अगर यहाँ पर सोलर रिमोट दे देते, और जो कि इनके पास टेक्नोलॉजी है तो यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, सोलर रिमोट दे देते, वॉइस सर्च दे देते, भैया आग लगा देते। बट भैया CU7 TV तो लॉन्च करनी है ना उन्हें, ये सब सारे फीचर्स के साथ में 2-3,000 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज करके करेंगे। CU7 TV आने वाली मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिलहाल इस टीवी की बात करें तो 32,990 रुपये थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड। आई थिंक 30,000 रुपीज़ सही रहता, 29 सही रहता, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो 7,000 का कैमरा फ्री में दे रहे हैं। तो एसेंशियली इस टीवी का प्राइस 26,000 रुपीज़ है, जो कि किलर है, कैमरा फ्री मिल रहा है, तो यूज़ दैट फंक्शन, बिल्कुल कैमरा लेना, कूपन 15 दिन के बाद आप उसे लगा पाएंगे और ले पाएंगे। बढ़िया टीवी है, दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब, और रे टीवी खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डायरेक्टली खरीद सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, बाय बाय।